पहली गेंद सावधान तरीके से डिफेंस किया, पहले एरिया में खेल दिया है, देखना होगा कितना रन होता है, दो रन ही मिल पाएंगे। ड्राइव कर दिया, बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई गेंद, फोर रन काशी। अंदर आती हुई गेंद पे सीधे बीट हुए और बोल्ड, हल्के हाथों से खेला और सिंगल लेके नॉन स्ट्राइक पे गए सूरज। ये पंकज झा गेंद पे स्टंप आउट हुए, हवा में खेला और लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से चार रन। हल्के हाथों से खेला, बाउंड्री लाइन तरफ जाती हुई गेंद, चार रन उड़ा दिया है फाइन लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन की तरफ, चार रन। मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन की तरफ पावर प्ले का पूरा फायदा उठाते हुए श्रेयस, चार रन। ये काफी अच्छी वापसी है भाई द्वारा। वीरू के पहली गेंद पे छह रन, कैच की मांग और पकड़े भी गए आलोक शर्मा। पहली गेंद पे स्कूप शॉट खेला और बाउंड्री लाइन की तरफ, चार रन। हल्के हाथों से खेला फाइन लेग की दिशा में बाउंड्री लाइन, चार रन। ड्राइव किया हल्के हाथों से, फील्डर बॉल के पीछे, देखना होगा कितना रन होता है, फील्डर ने रोका और दो रन आराम से ले लिया है। फिर वही गेंद, फिर वही शॉट, इस बार बैट के बीचों बीच बाउंड्री लाइन की तरफ, चार रन। फील्डर कोई मौका नहीं, लेस की गेंद खेल दिया है पॉइंट की तरफ, फेस खोल के बाउंड्री लाइन, चार रन। स्पार फुल टॉस, कवर में खेल दिया बाउंड्री लाइन की तरफ, चार रन। ड्राइव किया है, देखना होगा कितना रन होता है, फील्डर के हाथों छटक दी गेंद, आराम से दो रन श्रेयस। कवर के ऊपर से फुल टॉस गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ, चार रन। गेंद कवर के ऊपर, अगर इस तरीके से गेंदबाजी होगी तो इसी तरीके से बल्लेबाजी भी करते जा रहे हैं। स्कूप खेला है, जानते थे फील्डर नहीं है उधर, और बाउंड्री लाइन की तरफ, चार रन। अंशु चौबे श्रेयस फुल टॉस और सामने की तरफ खेला हल्की बाउंड्री लाइन, चार रन। बैट खेला हुआ शॉट फाइन लेग के ऊपर से, चार रन। अखिलेश बॉल के पीछे और हल्की सी बॉल टर्न लेते, चार रन। आगे निकल के खेला है फाइन लेग की दिशा में जाती हुई गेंद, फील्डर से मिस हुई, चार रन। मारा इसी गेंद के तलाश में थे बाउंड्री लाइन की तरफ, चार रन। इस बार आलोक शर्मा स्टंप आउट तरीके से, ऋषि का गिरता हुआ विकेट। एलबी की अपील, काफी जोरदार अपील, देव के लिए आगे निकल गया, विकेट कीपर की चूक, नो बॉल। फ्री हिट हाथों में खेला डायरेक्ट, कोई रन नहीं और
कोई नुकसान नहीं, श्रेयस स्टेप आउट किया और 6 रनों के लिए। फिर वही गेंद, फिर वही नतीजा, 6 रन बैक टू बैक। बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद, बैक टू बैक बाउंड्री आते हुए श्रेयस द्वारा। पंकज ओझा देव के लिए सीधे मिड ऑन बाउंड्री को ऊपर से बाउंड्री लाइन तक जाते हुए गेंद, 4 रन श्रेयस। कवर के ऊपर से खेला हुआ शॉट बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन। फ्लिक कर दिया है बाउंड्री लाइन की तरफ, बाउंड्री के ऊपर 6 रन। और ये क्या अद्भुत शॉट, 6। इस बार वीरू गेंद, श्रेयस आटो आउट होते हुए 123 रन बनाए श्रेयस ने। प्रिया अभी विकेट गिरा था, एक विकेट और गिरता हुआ अखिलेश लपेटा हुआ शॉट बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए गेंद, 4 रन। चौबे लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ जाते हुए गेंद, सीधे हाथों में कैच पकड़े गए विनय। राहुल पांडे जाते हुए गेंद मिड विकेट एरिया में, 4 रन। फिर वही बॉल, फिर वही शॉट, लेकिन इस बार सीधे फील्डर को ढूंढ लिया और हाथों में दे बैठे सामने की तरफ खिलाओ शॉट बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए गेंद, 4 रनों के लिए। चौबे विनय ने मिड विकेट पे खेला और सीधे गैप में बाउंड्री लाइन की तरफ, 4 रन। अगेन बॉल फुल टॉस और 4 रनों के लिए, गंदी बॉल और सही नतीजा। पंकज ओझा रजत सीधे पीछे से बोल्ड मारा है, मिस कर गए पूरा। अगेन बैक टू बैक विकेट, इसी तरीके से एबीसीए 11 230 रन पे बुक हो गई है 28 ओवर खेल के। देखना होगा सेकेंड इनिंग, राहुल पांडे प्रदीप चौबे के लिए 230 रनों का लक्ष्य रखा है एबीसी 11 ने डॉक्टर एचपी सिंह क्रिकेट एकेडमी के खिलाफ। बैक टू बैक बीट कराते हुए राहुल पांडे प्रदीप चौबे को, काफी अच्छे गेंदबाजी कर रहे हैं राहुल पांडे। वह हल्की सी छोटी गेंद और बैट पर पूरा मिडिल नहीं हुआ, सिंगल से ही काम चलाना होगा प्रदीप चौबे को। मनीष सोनकर अंपायर से गार्ड लेते हुए, दोनों काफी अच्छे और हिटर बैट्समैन हैं। कोई गंदी गेंद छोड़ते नहीं है, मौका मिलने पे पूरा प्रहार करते हैं बाजुओं में दम। राहुल पांडे की अगली गेंद मनीष सोनकर के लिए, खड़े खड़े खेला और पीट करा राहुल पांडे ने। देखना होगा अगला ओवर कौन लेके आता है। स्ट्राइक पे हैं प्रदीप चौबे, काफी अच्छे और धुआंधार बैट्समैन माने जाते हैं। कोई भी गंदी गेंद बाउंड्री की तरफ पहुंचाने में चूकते नहीं है। अगली गेंद भी नहीं, छोटी गेंद पुल करने की कोशिश की, बीट हुए, खा गए पहला विकेट डॉक्टर एचपी सिंह का विनय द्वारा। टाकोटे ड्राइव किया है,
एक रन दूसरा लेना चाहते हैं, लेकिन एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। राहुल पांडे गेंद, एक रन मिस फील्ड द्वारा। सुनकर ने मिडन को ऊपर से उठा के खेला, देखना होगा क्या होता है। बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए नहीं, फील्डर ने रोका और दो रन ही मिल पाएंगे। मनीष सुनकर विनय फाइन लेग के ऊपर से बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए गेंद, चार रन। सुनकर इस बार मिडन के ऊपर से चार रन, इस बार आउट किया है विनय ने। काफी अच्छे गेंदबाज हैं। राहुल पांडे डिफेंस किया है, ये मिसफील्ड और सिंगल आराम से ले लेंगे। पंकज ओझा काबार के ऊपर से बाउंड्री लाइन की तरफ, चार रन। काफी अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं, अगर उनको इस तरीके से रूम देंगे वो छोड़ेंगे नहीं। अगेन बॉल, अगेन बाउंड्री, काफी अच्छे बल्लेबाज। पंकज ओझा विनय पुल कर दिया है चार रनों के लिए। पंकज ओझा इस बार नहीं चुकेंगे, इस बार नहीं चुकेंगे, छह रन। पंकज ओझा ड्राइव किया है पॉइंट की तरफ जाते हुए गेंद, फील्डर से मिस हुई, चार रन। राघव वाइट, वाइट और चार, पांच रन दिए हैं। कवर के ऊपर से खेला है चार रनों के लिए, कोई फील्डर मौजूद नहीं वहां पे। पॉइंट के कट किया है, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। पंकज ओझा मिडन की तरफ खेला, फील्डर को बीट हुई गेंद, बाउंड्री लाइन तरफ, चार रन। राघव कट किया है, बॉल आगे के फील्डर पीछे पीछे, लेकिन बॉल ने रेस जीती और बाउंड्री लाइन तरफ, चार रन। पंकज ओझा कवर के ऊपर से खेल दिया है, चार रन आराम से ले लेंगे। अगेन बॉल, अगेन वही शॉट, कवर के ऊपर से चार रन। इस बार हल्का सा स्लो पिक और इन्होंने हल्के हाथों से खेला, बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए गेंद, चार रन। कैच की डिमांड, लेकिन फील्डर के बगल से चार रन। स्वीप करने की कोशिश, चार रनों के लिए। इस बार पूरा कामयाब हुए बाउंड्री दिखाने में बल्लेबाज। स्कूप खेला है, बीट हुए, आउट की अपील, नॉट आउट, बाल बाल बचे। स्कूप किया है, बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए गेंद, बॉल आगे के फील्डर पीछे पीछे, बॉल ने रेस जीती, बाउंड्री लाइन की तरफ, चार रन। काफी शानदार स्लॉग स्वीप, शॉट भैया, कोई मौका नहीं किसी के लिए। पंकज ओझा सूरज मिड विकेट की तरफ से खेला गेंद, गेंद गैप में जाते हुए फील्डर के द्वारा, काफी अच्छी फील्डिंग, दो रनों से नहीं रोक पाएंगे। एक रन आराम से ले लिया बैट्समैनों ने। डिलेट कट खेला और बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई गेंद, चार रनों के लिए। कवर
बार के ऊपर से खेल दिया है और नीलाइन की तरफ जाती हुई गेंद, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। चार रन, पहले की तरफ खेला राघव ने, बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई गेंद, देखना हो क्या होता है। राघव तो मान बैठे बाउंड्री, लेकिन पंकज ओझा नहीं मान रहे हैं, देखना हो क्या होता है। नहीं, बाउंड्री लाइन की तरफ, चार रन। मिडॉन के ऊपर से खेला हुआ गेंद, चार रनों के लिए। सीधे तीर की तरह सीधा खेला हुआ शॉट, बाउंड्री लाइन की तरफ जाते हुए गेंद, फील्डर के लिए कोई मौका नहीं। बाउंड्री लाइन तक चार रन, कट कर दिया है बिना, लगातार तीन बॉलों पे तीन बाउंड्री लग चुके हैं। मिड विकेट से के ऊपर से खेला हुआ शॉट, बाउंड्री लाइन तरफ चार रन। बाउंड्री लाइन तरफ जाते हुए गेंद, चार रन। पंकज ओझा आराम से खेल दिया है कवर पे एक रन, दूसरा रन लेने के लिए तैयार है। बॉल मिस हुई और दूसरा रन भी हो गया, ये क्या तीसरा रन भी हो गया। बैट का बॉल तेज फेंका बाहर की तरफ से, बैट्समैन ने बैट का फेस खोल दिया, बाउंड्री लाइन तरफ जाती हुई गेंद, चार रन। पंकज ओझा गोलू, बाउंड्री लाइन की तरफ जाती हुई गेंद, फील्डर्स के बगल से बाउंड्री लाइन, चार रन। कोई मौका नहीं किसी के लिए। ये विनिंग रन, विनिंग रन, राघव बल्ले से आता हुआ, 24 गेंदों में 5 रन, 4 रन चाहिए था, आराम से इन्होंने जीत दिलाई अपने टीम को। काफी अच्छा, सराहनीय पारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।